नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूँ आपका सी डॉट न्यूज। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले महीने यानी 2 अप्रैल को पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। नफ्ताली बेनेट ने कहा कि वह राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे। साथ ही कहा कि भारत इजरायल के संबंध सार्थक संयोग पर आधारित है। इजरायल के प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं की पहली मुलाकात पिछले अक्टूबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी, जब पीएम मोदी ने पीएम बेनेट को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। बेनेट ने अपने इस दौरे को लेकर कहा है कि मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करने के लिए बेहद खुश और उत्सुक हूँ। हम अपने देशों के संबंधों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। बेनेट ने कहा कि मोदी ने भारत और इजराइल के बीच संबंधों को फिर से शुरू किया है। भारत संस्कृति और यहूदी संस्कृति के बीच संबंध गहरे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सार्थक संयोग पर काफी भरोसा करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतीयों से कई चीजें सीख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।